सम्मेलन में आदरणीय राहुल जी और हमारे तमाम प्रदेश अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के सब साथी विधायकगण और बड़ी संख्या में हमारे राजीव मितान क्लब के सब साथी कर लगभग 2 लाख से अधिक पूरे प्रदेश भर से लोग आए थे। 13,000 हमारे क्लब बने हैं, उसके सारे सदस्य यहाँ उपस्थित थे। भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग राहुल जी को सुनने खड़े थे और राहुल जी ने जो बातें कही है कि ये देश युवाओं का देश है और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि भविष्य उनका है, उनको छत्तीसगढ़ और देश संभालना है। बीजेपी ने आरोप पत्र जारी करे सर, आपको हर बयान पर सर वो याद भी किया? मुझे पता चला है कि 104 पन्ने का है और उसमें कार्टून ज्यादा है, कुछ क्या कार्टून ज्यादा है। और आरोप पत्र वगैरह जहां तक के है तो विधानसभा में उसके बाहर जो लगा रहे थे उससे अतिरिक्त तो कुछ दिखाई दिया नहीं। हालांकि मैं खुद भी कार्यक्रम में था, लेकिन उनके आरोप पत्र में वही चीजें हैं जो विधानसभा में बात कही, वही चीज है जो ईडी जो चालान प्रस्तुत की है, उसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं है। सभा भी की अमित शाह ने, अमित शाह ने सभा की और सभा में कहा कि आदिवासियों की जो असली उद्देश्य है वो मोदी सरकार है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई और आपकी सरकार को आदिवासियों को लेकर क्या आलोचना की? रमन सिंह 15 साल रहे, पेशा नियम लागू नहीं कर पाए। रमन सिंह 15 साल रहे, जिस सौरा जनजाति के कार्यक्रम में गए थे, मात्रात्मक त्रुटि वो सुधरवा नहीं पाए। हमारी सरकार बनी तो सब आदिवासियों को भी, महार महारा को भी, जितने भी ऐसे जातियां हैं जो मात्रात्मक त्रुटिकरण से आरक्षण के लाभ से वंचित थे, उनको लाभ मिल रहा है। आज बैठक हुई है, आज बैठक हुई है आप लोगों की राहुल गांधी साथ मिले, सब सीनियर नीडल भोजन में बात भी किए और निर्देश भी दिए सबको। 12 से 15 लाख नौकरियों की घोषणा भी आपने की, रोजगार की बात की, 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। सर जिस तरह से सर आप स्टाइपेंड कर रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह बोले कि हम पूरे बहुमत से विधानसभा जीतेंगे, लोकसभा जीतेंगे, क्या कोई जादू की छड़ी उनके हाथ में लग गई? रात को क्यों रुकते हैं ये बता दें। और आज भी जाने वाले थे, पता चला कैंसिल हो गया और यहीं रुकेंगे रात। ऐसी क्या बात है जो रात रुकते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं और सुबह चले जाते हैं। आज तो खैर ठीक है, आरोप पत्र लॉन्च किया उन्होंने, एक सभा थी, बचत में तो आते हैं, रात रुकते हैं, सुबह चले जाते हैं। देख ना, उनको छत्तीसगढ़ से मतलब था, न छत्तीसगढ़ी से मतलब था, न छत्तीसगढ़ी राजगीत से मतलब था, न छत्तीसगढ़ी तीज त्यौहार से मतलब था, न छत्तीसगढ़ी खेलकूद से मतलब था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है वो छत्तीसगढ़ी, अब वो छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी लगने लगी है, राजगीत भी होने लगे हैं छत्तीसगढ़ी में, आरोप पत्र शुरू के, तो ये जो है वो हम लोगों के कारण से हुआ है, तो ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, बड़ा स्टाइफंड को लेकर के बड़ा अनाउंसमेंट किया है, स्टाइफंड को लेकर के बड़ा अनाउंसमेंट, जो कोरोना के बाद जो स्टाइफंड में 70, 80 और 90% उसके बाद फिर 100% को तनखा मिलती थी, उसको हमने खत्म कर दिया, अब सबको 100% मिलेगा। देखिए छत्तीसगढ़ में ये बल्ला डीला खदान लेना चाहते थे, रमन सिंह दिया था, हमारे कहां से रुका हुआ है। अभी कोयला खदान जो एसीसीएल का है उसको दे दिया अडानी को, और जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसमें तो 39 खदानें हैं, उसमें निगाह थी, तो 1950 वर्ग किलोमीटर का हमने आरक्षित कर दिया है। तो अडानी और वो खदान के बीच में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, कांग्रेस सरकार है, और ये ईडीआईटी छापा पड़ता इसीलिए है। तो यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है, तो आपको कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना पड़ेगा, अन्यथा बीजेपी को वोट देने का मतलब ये है कि वो अडानी पूरा सौंपना है, बटन दबाओ के कमल में तो वीवीपैट में अडानी निकलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।